बालू माफियाओं ने खलारी सीओ पर किया हमला, सीओ ने भागकर बचाई अपनी जान। बालू तस्करी के खिलाफ अभियान चला रहे खलारी के सीओ प्रणव अम्बस पर देर रात बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। हालांकि हमला में सीओ ने भागकर अपनी जान बचा ली। घटना खलारी के केडी बाजार में उस वक्त हुई जब सीओ ने बालू लदे दो ट्रैक्टर को जब्त किया। पुलिस ने शहीद चौक के पास बालू माफियाओं द्वारा छोड़ी गई 5 बाइक जब्त की है। सीओ के अनुसार रात 9 बजे बुड़मू रोड पर छापेमारी करने निकले थे। केडी बाजार में एक बालू लदा ट्रैक्टर दिखा तो उन्होंने उसे रोकने को कहा, लेकिन ट्रैक्टर चालक आगे बढ़ गया और सड़क पर ही बालू गिरा दिया और भागने लगा। इसी बीच वहां से 5 से 10 लोग पहुंचे और सीओ से बहस करने लगे। कुछ देर में देखते ही देखते लगभग बाइक और चार पहिया वाहन से करीबन 40-50 की संख्या में लोग पहुंचे और सीओ की गाड़ी में पत्थर चलाने लगे। वहीं खुद को घिरा देख खलारी सीओ ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और भागकर अपनी जान बचाई, पर बाली माफियाओं ने सीओ के आवास तक उनका पीछा किया। उन पर अंचल कर्मियों की शोर मचाने पर सभी तस्कर बाइक छोड़ वहां से फरार हो गए। खलारी में बालू माफियाओं का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। बार बार कार्रवाई करने के बाद भी वह हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। हमलावरों की पहचान की गई है, पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। रांची खलारी से पवन गुप्ता की रिपोर्ट। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।